हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं आशीष पवन उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स और इंटेंस टूर के बारे में जो कि यूएसए में होने वाला है। मार्च कंप्लीटली ब्लॉक्ड है इन आपके इंटेंस फोर आइडल्स का, तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में इंस्टा स्टोरीज में देख रही थी आशीष की, जिसमें कि उन्होंने जिक्र किया है कि वो इन दिनों मराठी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फिल्मों में म्यूजिक दे रहे हैं और एक और काम जो कर रहे हैं वो है पवनदीप के साथ उनका बहुत ही जल्द एक सिंगल आने वाला है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। तो बधाइयां हो जी। और आपको जस्ट याद दिला देना चाहती हूँ कि आशीष इसके पहले भी मराठी फिल्म इंडस्ट्री में अपना काम करते आए हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इंटेंस टूर में क्या होने वाला है। इंटेंस टूर जो है बेसिकली यूएसए में बहुत समय पहले से उन लोगों ने तय करके रखा था। पूरा मार्च कंप्लीटली ब्लॉक्ड है इन लोगों के लिए और ऐसे में कई सारे लोग हौसला अफजाई कर रहे हैं, कई सारे लोग आपके इन चार आइडल्स के लिए वेट कर रहे हैं। पवन, अर्णिता, साइली और दानिश का वेट कर रहे हैं। बहुत ही क्यूट से वीडियोस आप वायरल होते हुए देख रहे हैं और मुझे भी वो देख के बड़ा मजा आ रहा था। सो इसी में एक और वीडियो जो मैंने देखा उसमें ये था कि पवन कह रहे हैं कि आप में अगर गाने का हुनर है तो अपना वीडियो अपलोड कीजिए, उनमें से हम कुछ चुनेंगे और जो चुनिंदा लोग होंगे उन्हें हमारे साथ परफॉर्म करने का, स्टेज पर आने का मौका दिया जाएगा। इस वीडियो में दिखाया गया है कि जो भी शख्स इंडियन आइडल्स के साथ गाना गाना चाहते हैं वो अपना नाम और एक मिनट का फेवरेट गाने का वीडियो बनाकर एक मेल आईडी पर उन्हें भेज दे, साथ ही में उस शहर का नाम भी लिखे जहां पर वो शो अटेंड करने वाले हैं। चुने हुए दो लोगों को इंडियन आइडल्स के साथ अपने ही शहर के स्टेज पर बुलाया जाएगा और परफॉर्मेंस देने का मौका दिया जाएगा। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चारों आइडल्स हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से बिलोंग करते हैं, ये सभी मिलकर अगर जा रहे हैं, बाहर के देशों में जा रहे हैं, वहां के लोगों को भारतीय कला और संस्कृति के बारे में बताना चाह रहे हैं और उनसे भी जानना चाह रहे हैं और संगीत को बढ़ावा देना चाहते हैं, अपने साथ में लेना चाहते हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। मतलब अच्छा लगेगा ये देखना कि जो देश के बाहर लोग रह रहे हैं वो भारतीय फिल्मों और भारतीय फिल्मों के संगीत, यहाँ के क्लासिकल, सेमी क्लासिकल संगीत और फोक संगीत को किस तरीके से प्यार करते हैं। ये एक बहुत ही अनूठी पहल मुझे लगी है। सो ओवरऑल आई वुड से अप्रिसिएशन मिलना चाहिए और जो भी लोग इन चारों का वेट कर रहे हैं, मैं उनको जस्ट ये बोल सकती हूँ कि वेट कीजिए, जब ये लोग चारों पहुंचेंगे आपके पास और संगीत का सफर शुरू करेंगे ये लोग, तब आपको इतनी खुशियां मिलने वाली हैं और आप इतना एंजॉय करने वाले हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस इंफॉर्मेशन के बारे में आपका क्या कहना है जरा लिख कर बताइए। जय हिंद।